तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे रेडमी 9 प्राइम के यूज़र हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लिए भी यहाँ पे रेडमी 9 प्राइम से रिलेटेड बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो हमें रेडमी 9 प्राइम में MIUI का 12.5.3.0 का एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ग्लोबल स्टेबल अपडेट 610 MB में यहाँ पे रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस अपडेट में हमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको रेडमी 9 प्राइम में जो एनहेंस का अपडेट मिलता है, आपको इसमें केवल 1 GB का ही मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है। और इसके अलावा आपको इसमें और भी फीचर मिलते हैं, तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ Redmi 9 Prime के 12.5 के एनहेंस के फीचर्स, यानी कि 12.5.3.0 जो हमें ग्लोबल स्टेबल में Redmi 9 Prime के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा अभी तक YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब अपनी सेटिंग्स में जाते हैं तो Redmi 9 Prime में आपको सेटिंग्स के अबाउट फ़ोन का सेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम ही मिलता है। आपको इसमें सिम कार्ड्स का UI, वाईफाई का UI, ब्लूटूथ का UI, कनेक्शन एंड शेयरिंग का UI, आपका यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ सेम टू सेम ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और जब आप इसमें लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो मैंने इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रूट की हेल्प से इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आपका फ़ोन यहाँ पे रूटेड है तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को बहुत ईजिली फ्लैश कर सकते हैं एक मॉड्यूल की हेल्प से। लेकिन अगर आपका मोबाइल यहाँ पे रूटेड नहीं है तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मॉड्यूल यहाँ पे फ्लैश नहीं कर सकते। और आप जब इसमें डिस्प्ले में जाते हैं तो आपको इसमें Redmi 9 Prime के डिस्प्ले में सेम ही लेआउट मिलता है, वो भी डार्क मोड 3.0। मगर आपको इसमें नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में वही सेम लेआउट, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन। और आपका इसमें कंट्रोल सेंटर में एक बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका है। जब आप इसमें अपना कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं तो आपको इसमें ये ब्राइटनेस का टॉगल यहाँ पे अब आपका ये सक्सेसफुली फिक्स हो चुका है। तो होपफुली आपका ये 12.5.1.0 में भी हो, लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकता। लेकिन अब आपका ये 12.5.3.0 में सक्सेसफुली फिक्स हो चुका है। और आप जब इसमें स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो आपका ये इस तरीके से नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाती है। और आप जब इसमें स्वाइप राइट करेंगे तो आपका इसमें ये कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर हमें Redmi 9 Prime के 12.5 के एनहेंस के अपडेट में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और आप जब इसमें वॉलपेपर्स में जाते हैं, थीम्स में जाते हैं, सेम ही लेआउट है। होम स्क्रीन में आपको सिस्टम नेविगेशन, अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम ही यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। और आप जो आपको इसमें बस एक ही फीचर बहुत बढ़िया मिलता है, आप जब एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको इसमें मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। मगर आपको इसमें 2 GB रैम की स्टोरेज की जगह पे आपको केवल Redmi 9 Prime में 1 GB का ही मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है। और इस फीचर को किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बता दूं। आपके मोबाइल में यहाँ पे 1 GB से खाली स्टोरेज होनी चाहिए, यानी कि 1 GB से ज़्यादा की स्टोरेज आपके मोबाइल में खाली होनी चाहिए। और आप जब आपके मोबाइल में 1 GB से ज़्यादा की स्टोरेज खाली होगी तो आप जब इस ऑप्शन को ऑफ़ करेंगे तो आपसे पूछेगा रिबूट योर डिवाइस टू अप्लाई चेंजेस। तो आप इसको लेटर में भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना मोबाइल बाद में भी रिबूट कर सकते हैं। और आपको इसमें जब ऑप्शन को ऑन करेंगे तब भी ये आपसे कहेगा रिबूट योर डिवाइस टू अप्लाई द चेंजेस। तो ये वाला फीचर हमें Redmi 9 Prime के 12.5 के एनहेंस के अपडेट में बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी सब हमें Redmi 9 Prime में जो भी देखने के लिए मिला है बाकी सब सेम टू सेम ही फीचर्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे Redmi 9 Prime से रिलेटेड 12.5 के एनहेंस के अपडेट में केवल 12.5 के एनहेंस के अपडेट में मेमोरी एक्सटेंशन और हमें इसमें ये न्यू कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। और मुझे आपको भी इस वीडियो में यही बताना था कि आपको Redmi 9 Prime के 12.5.3.0 में आपको ये ऑफिशियली ये सारे न्यू फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे YT चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।